दोस्तों, क्या आपने मर्मिड मूवी देखी है? देखी तो जरूर होगी। कमेंट बॉक्स में ये बताइए, क्या आप इन जलपरी यानी कि मर्मिड्स पर भरोसा करते हैं? क्योंकि अगर आप भरोसा नहीं करते तो आज इस वीडियो को देखने के बाद शायद आप इस पर भरोसा करने लग जाएं। दोस्तों, वैसे तो हम सब ने मर्मिड को कई बार बहुत सारी मूवीज और कार्टून्स में देखा है, लेकिन जब भी बात इनके होने या ना होने की आती है तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई में ऐसा पॉसिबल है? क्या सच में आधा शरीर मछली और आधा शरीर इंसान का हो सकता है? सच बताइए, मूवी देखने के बाद आपके मन में ये सवाल कभी ना कभी तो जरूर आया होगा, है ना? अगर आपके भी दिमाग में ऐसा ही सवाल आता है और ऐसे ही गोते खाते रहते हैं सवाल, तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। यकीन मानिए, अगर आपने इस वीडियो को हल्का सा भी मिस किया तो आपका सारा का सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। दोस्तों, वैसे ये बात तो हमें भी नहीं पता कि मर्मिड्स होते हैं या नहीं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाने वाले हैं जिसमें इन मर्मिड को साफ साफ देखा गया है। अब वो कैसे हैं, क्यों हैं, वो सच में मर्मिड्स हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब तो फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन इन वीडियोस को देखकर आप ये जरूर समझ जाएंगे कि ये मर्मिड ही हैं। तो चलिए, बिना आपको परेशान किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, याद है ना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे विश्वास कीजिए, वर्ल्ड के इन कई हिस्सों में मर्मिड्स को देखा गया है। अब भारत इससे अलग थोड़ी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 10 दिसंबर 2017 को भारतीय मछुआरों ने इस बात का दावा किया कि उन्होंने एक अजीब तरीके की मछली को पकड़ा है। दोस्तों, आप खुद वीडियो में देख सकते हैं कि ये जीव कितना अजीब प्राणी दिख रहा है। आप जब इसको अजीब से दिखने वाले प्राणी को गौर से देखेंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इसका आधा शरीर इंसान का है और आधा शरीर मछली का। जैसे इस मछली की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, यकीन मानिए तहलका मच गया। अब देखने में भले ही ये जीव इंसान जैसा लगे, क्योंकि ये जलपरी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। क्योंकि फिल्मों या कार्टून्स की बात करें तो जलपरियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं, और यहाँ पर सुंदरता तो दूर दूर तक है ही नहीं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे इस मछली का सिर इंसान से नहीं मिल रहा, लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है दोस्तों कि भले ही सिर कैसा भी हो, लेकिन इस जीव के बाकी के अंग हम इंसानों से बिल्कुल सिमिलर ही थे। दूसरी हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक साइंटिस्ट को भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि आखिर ये जीव है क्या, और रिसर्चर्स अब तक रिसर्च कर रहे हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी घटना की ओर। दोस्तों, हमने जो जलपरियां मूवीज या कार्टून्स में देखी है ना, वो खूबसूरत होने के साथ साथ हम्बल नेचर की भी होती हैं, लेकिन वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और ना ही मारती हैं। पर अब जो घटना हम आपको बताने वाले हैं, यकीन मानिए उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। हुआ ये कि एक बार दो लड़के किसी नदी के किनारे जानवरों को चरा रहे थे, तभी उन्होंने खूबसूरत सी मछली को देखा। वो उस मछली को पकड़ने के लिए नदी में कूद गए, लेकिन नदी में कूदने के बाद इन्हें पता चला कि ये मछली नहीं बल्कि जलपरी है। जब वो लड़के पानी से बाहर आने की कोशिश करने लगे तो जलपरी ने उनको अंदर खींच लिया, जिसके बाद वो लड़के मर गए। सोचने वाली बात यह है कि दोस्तों, इस पूरी घटना को इन लड़कों के पेरेंट्स ने देखा और उन्होंने ही इस बारे में बताया। उन्होंने ऐसी मछली देखी जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा मछली का। कुछ दिनों के बाद उस नदी के किनारे मर्मिड्स देखने के बहुत सारे किस्से सामने आए, जिसके बाद लोगों ने उस नदी के पास जाना ही छोड़ दिया। अब रियल में सच्चाई क्या है, इस बारे में कोई नहीं जानता। वैसे आपको क्या लगता है, ये मर्मिड्स होती हैं या नहीं होती, यहाँ पर रही होंगी या कुछ और था ये? देखिए दोस्तों, भले ही आपको इन दोनों घटनाओं से यकीन ना हुआ हो कि ये मर्मिड्स हैं, लेकिन जो कहानी या घटना अभी हम आपको बताने वाले हैं, उसको देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जरूर देखिए घटना। ये घटना है दोस्तों 17 अक्टूबर 2017 की, जब एक ऑस्ट्रेलियाई आदमी मिनेसोटा में किसी बीच के किनारे घूम रहा था, तभी उसने एक अजीब सी घटना देखी और उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। अब इस घटना को हम मुंहजुबानी सुनाते तो शायद आपको हमारी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि हमारे पास वीडियो है। दो लोग पीले कलर का सूट पहने समुद्र के किनारे से किसी अजीब से प्राणी को निकाल रहे थे। पहले तो इस शख्स को लगा शायद वो दूर है, इसलिए उसे कुछ गलत नजर आ रहा है, लेकिन जैसे ही आदमी उनके थोड़े करीब गया, उस आदमी के होश उड़ गए, क्योंकि उसने जो सोचा था बिल्कुल सही था, क्योंकि ये जलपरी जैसा दिखने वाला ही कोई जीव था। हमारे हिसाब से इसे जलपरी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। वैसे ये वीडियो देखकर आपको कुछ अजीब सा नहीं लग रहा क्या? खैर, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं है कि वो पीले सूट वाले आदमी इस जीव को लेकर कहाँ चले गए। अब बताइए, क्या आपको अब भी नहीं लगता कि ये जलपरी है? सच बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और भाई साहब वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आपको यकीन हो ही जाएगा कि मर्मिड्स होती हैं। दोस्तों, हमने जितने भी जलपरियों को अब तक मूवी में देखा है, वो जादू ही रही हैं, वो लोगों की मदद करती आई हैं। पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जलपरी हम इंसानों से मदद मांगे? यकीन नहीं हो रहा ना, चलिए खुद देखिए। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के कैपटाउन में रहने वाली पिसानी ड्रोमा ऐसी महिला है जिन्होंने मर्मिड को देखा नहीं बल्कि उसकी मदद भी की है। हुआ ये कि पिसानी नदी किनारे टहल रही थी, तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी,
जैसे जैसे वो आवाज की दिशा में आगे जाती हैं, उन्हें जलपरी दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद उनके होश उड़ जाते हैं। दरअसल ये मरमेड वापस पानी में जाना चाहती थी और इसलिए ये पिसानी की मदद मांग रही थी। इसके बाद पिसानी ने मरमेड की मदद की, जिससे उस मरमेड की जान बच पाई। पहले तो इस बात पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे इस इंसिडेंट के बाद वो नदी सूख गई। ये घटना कुछ और नहीं है दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मैक्सिको की गुफा में कई बार मरमेड्स को देखा गया है। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने वाली बात यह है कि ऐसी घटना फिलीपींस में भी देखने को मिली, जहां पर गुफाओं के अंदर इन मरमेड्स को देखा गया। सोचिए दोस्तों, आप किसी बीच पर स्विम करके वीडियो बना रहे हैं, तभी आपके सामने कोई जलपरी आ जाए, आपका क्या रिएक्शन होगा? ठीक वैसे ही रिएक्शन फिलीपींस में घूमने आए टूरिस्ट के साथ हुआ। कुछ टूरिस्ट पानी के अंदर गोते लगाते लगाते वीडियो बना रहे थे, तभी उनके सामने मरमेड जैसी कोई मछली आई, जिससे सब हैरान हो गए। सबसे पहले तो उनको कुछ समझ नहीं आया कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था, लेकिन बाद में जब उन्होंने वीडियो देखी तो उनकी कंफ्यूजन क्लियर हो गई। वो मछली नहीं बल्कि जलपरी थी। दोस्तों वैसे तो इन्हें देखने के दावे पहली बार सामने नहीं आ रहे, जैसी मुंह वैसी बात है। वैसे दोस्तों अभी तक आपको हमारी बात पर यकीन हुआ या नहीं ये बताएं। अब आपको क्या लगता है कि ये मरमेड होती हैं या नहीं? आप अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। तब तक हम आपको एक और घटना से रूबरू करवाते हैं। दरअसल ये घटना एक फोटोग्राफर के साथ घटी है। हुआ ये कि पॉल जॉन नाम के एक फोटोग्राफर बीच साइट पर खूबसूरत फोटोज ले रहे थे, तभी उनके सामने कुछ ऐसा आया कि वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। दरअसल उन्हें बीच पर एक लाश मिली जो काफी पुरानी हो चुकी थी, पर इसमें भी परेशान करने वाली बात ये थी कि उस लाश का ऊपर वाला हिस्सा इंसान का था, तो वहीं शरीर का निचला हिस्सा मछली का था, जिसको देखने के बाद इसे मरमेड कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। क्यों, सही बोल रहे हैं ना? वैसे अगर आपको अब भी लगता है कि मरमेड्स नहीं होती, तो फिर हमें बताइए कि लाश ऐसी अवस्था में मरमेड जैसी क्यों दिखाई दे रही है? इसका कोई जवाब है आपके पास? क्योंकि इसे देखकर तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसे एडिट किया गया है या कुछ और। खैर अब तो आप मान ही गए होंगे कि मरमेड्स होते जरूर हैं, लेकिन चलिए एक आखिरी घटना आपको बता ही देते हैं, इसको देखकर आप अच्छे से बिलीव कर लेंगे कि मरमेड्स होती हैं। दोस्तों ये घटना न्यू गिनिया के साथ मछुआरों की है। उनके साथ हुआ ये कि वो रोजमर्रा की तरह अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन तभी उनके सामने कुछ ऐसी चीज आई जिसको देखने के बाद उनके होश उड़ गए और उन्होंने पुलिस को कॉल कर दिया। दोस्तों उनके साथ हुआ ये था कि जो हड्डियां उन्हें मिली थी वो ना तो इंसानों की थी और ना ही जानवरों की। फोटोज में आप देख सकते हैं कि ऊपर का हिस्सा आदमी का था और बाकी का आधा हिस्सा मछली का। अब आप ये देखकर 100% समझ गए होंगे कि ये मरमेड ही है। दोस्तों कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने मरमेड को तैरते हुए भी देखा है। खैर आज के समय में मरमेड्स हैं या नहीं ये तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन इस वीडियो को देखकर 100% कहा जा सकता है कि एक वक्त पर मरमेड अर्थ पर जरूर रही होंगी। अब बताइए कि आपको अभी भी लगता है कि ये मरमेड्स नहीं होते? अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है तो हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं जो जीव आपने अभी स्क्रीन पर देखे हैं वो कौन थे। खैर उम्मीद करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को आपने एंजॉय तो बहुत किया होगा, तो एंजॉय करके जाना नहीं है दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जाना है, राइट? देखने के लिए शुक्रिया।